बहती हुई दिखाई दे रही है सड़कों पर। राजकोट के सबसे पॉश इलाके से हमारे सहयोगी हितेन बिटलानी की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजकोट शहर में मौजूद है और यहाँ पर अब भी परिस्थिति अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से पूरी तरह से एक रिहायशी बस्ती जो है वो जलमग्न है, और इलाका अगर आप पूरा देखेंगे तो कहीं ना कहीं बुरी तरह से प्रभावित हो चुका है। हर जगह आपको सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आएगा। हालांकि यहाँ पर कुछ लोगों ने रस्सी भी बांध रखी है कि परिस्थिति अगर और खराब होती है तो लोगों को रस्सी के सहारे रेस्क्यू करके जो है वो बाहर भी निकाला जा सके। अभी भी 48 घंटे इस राजकोट में अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि सिर्फ राजकोट नहीं बल्कि पूरे सौराष्ट्र में अब 48 घंटे का अलर्ट जो है वो दिया गया है। ऐसे में अगर अब अभी भी इस तरीके की परिस्थिति है और ऐसे में बारिश और होती है तो आप सोच सकते हैं कि अब आगे आने वाले समय में परिस्थिति किस तरह एक भयावह रूप जो है वो धारण कर लेगी। राजकोट से वीडियो जर्नलिस्ट संकेत के साथ हितेन मिटलानी, टाइम्स नाउ नवभारत। अब राजकोट की एकता कॉलोनी में हालात कैसे बदतर हो गए हैं इस बात से साफ तौर पर समझा जा सकता है कि घरों में 4 से 5 फीट तक पानी भर चुका है। एकता कॉलोनी से अब तक करीब 250 लोगों को रेस्क्यू भी किया जा चुका है। तस्वीरें कैसी हैं और हालात कैसे हैं समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। इस वक्त हम राजकोट के एकता कॉलोनी में मौजूद है और इस वक्त भी भारी बारिश के बीच आप देख सकते हैं पानी कितना भरा हुआ है कि लोगों के छाती तक यहाँ पर जो है वो पानी आपको नजर आएगा। लोगों के घरों में भी इस वक्त जो है पानी भरा हुआ है। अगर घर की तस्वीर दिखाना चाहूँ तो मेरे विजय संकेत से मैं कहूंगा कि तस्वीर दिखाए कि घरों में किस तरीके से इस वक्त भी जो है पानी भरा हुआ है। हालांकि ये तबाही की तस्वीर जो है ये राजकोट शहर की है, ये राजकोट का कोई ग्रामीण इलाका नहीं है, ये राजकोट शहर के बीचों बीच आया हुआ इलाका है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि लोग खुद की रक्षा के लिए किस तरीके से रस्सी बांधकर रेस्क्यू के जरिए यहाँ पर जो है वो आवागमन करते हैं। ऐसी परिस्थिति में लोग अभी रह भी रहे, लेकिन उस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए पानी का प्रवाह कितना तेजी से है। अब तक अगर आप लोगों ने रेस्क्यू किया है, कितने लोगों को अब तक बचाया है यहाँ? अब तक यहाँ तक 2 जना की जान है, सब हमने बचाया, 100-200 जनों को बचाया है। 200 जनों का रेस्क्यू आप लोगों ने किया है? हाँ, 200 आदमियों का रेस्क्यू किया है फिलहाल में। अभी भी कुछ लोग फंसे हुए हैं इसमें, क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितने लोग रस्सी लेके एक दो को निकाल रहे हैं, फिर भी सबको निकाल रहे हैं, सब ऐसे फंस गए उसको। अच्छा मुझे ये बताइए, रात में कितने बजे ये स्थिति शुरू हुई पानी भर? सुबह 6-7 बजे से हुई। 7 बजे के अंदर ये सब चालू हो गया था, जब रात को पुलिस वाले आए थे बताने के लिए कि फिलहाल के लिए सब बाहर चले जाएं यहाँ से। पर कुछ लोगों को क्या है बताया या नहीं बताया, कुछ जान नहीं हुई है उस हिसाब से। क्या आधे लोग अंदर ही फंसे रहे थे, उसमें छोटे छोटे बच्चे, औरतें थी, बुजुर्ग इंसान थे, ज्यादातर लोगों का तो यहाँ रेस्क्यू हो चुका है। से भी 20 जनों को हमने बचाया, 100 जने थे। अच्छा आगे स्कूल में, से इतना स्कूल में पानी है। आप देखिए स्कूल हो या कॉलोनी हो, हर तरफ आपको सिर्फ पानी पानी नजर आएगा। और कुछ परिस्थिति इस तरीके की है कि आप देखिए कि इस पानी के बहाव में आप देखिए ये दरवाजा, एक घर का दरवाजा भी जो है वो गद्दे के साथ पूरा पानी में जो है वो बहता नजर आ रहा है। और कई कई घरों के इसमें सामान पूरी तरह से बह चुके हैं। परिस्थिति की अगर हम बात करें इस वक्त तो परिस्थिति इस वक्त राजकोट में बद से बदतर होती जा रही है। आने वाले 48 घंटे अब और भी इसी तरीके का रेड अलर्ट है और भारी बारिश इस बीच और होती है तो आप सोचिए यहाँ का मंजर कितना भयावह हो सकता है। राजकोट से वीडियो जर्नलिस्ट संकेत के साथ इतने टाइम्स नाउ नवभारत। अब आपको राजकोट के रैया रोड की तस्वीरें दिखाएंगे। मूसलाधार बारिश के बाद यहाँ ऐसा जल जमा हुआ कि सड़क पर चलने वाली गाड़ियां हाफती हुई नजर आई, जहां तहां वो फंस गई। तस्वीरें आप देखिए। आने वाले 48 घंटे और सौराष्ट्र के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया। ऐसे में राजकोट के रैया रोड में इस वक्त हम मौजूद है। रैया
ग्रामीण इलाका है ये, और आप देख सकते हैं कि सड़कें इस वक्त पूरी तरह से नदियां बनी हुई है। जो आजी नदी का पानी है वो पूरी तरह से सड़कों पर जो है वो एक तेज बहाव के साथ जो है वो बहता नजर आ रहा है। और ऐसे में अब गाड़ियों को देखिए आप किस तरीके से नुकसान होता नजर आ रहा है। जो कार सवार थे, जो कुछ जरूरी काम से बाहर निकले हुए थे, अब उनकी गाड़ी जो है पानी में पूरी तरह से फंस चुकी है। अब वो धकेलते हुए आपको जो है यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यानी कि राजकोट में जिस तरीके से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, उसके बाद अब लोगों को काफी दिक्कतें जो है वो उठानी पड़ रही है। सिर्फ गाड़ियों का खराब होना नहीं, बल्कि मैं आपको देखिए इस तरफ दिखाऊं, देखिए जिस तरह से काफी तेज हवा के साथ, आंधी तूफान के साथ जो भारी बारिश हो रही है, इसके चलते सड़कों पर इस तरीके से पेड़ भी गिरे हुए हैं। और पानी का प्रवाह आप देखेंगे तो पानी का प्रवाह आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि आखिरकार पानी का प्रवाह किस तरह से तेज है। जो अब कहीं ना कहीं नदी का पानी अब सड़कों पर, शहर की सड़कों पर अब भरना शुरू हो चुका है। अगर बारिश रुकती नहीं है तो कहीं ना कहीं आने वाले 48 घंटे राजकोट और सौराष्ट्र के लिए और मुसीबत खड़ी करता नजर आ सकता है। राजकोट से वीडियो जर्नलिस्ट संकेत के साथ हितेन विटलानी, टाइम्स नाउ, नवभारत। और अगस्त का